नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस प्लेयर सीनियर चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ है सिद्धांत गायकवाड़, जिन्होंने एमपी मास्टर टूर्नामेंट के अभी तीसरे राउंड में, पहले दो राउंड हारने के बाद तीसरे राउंड में इंटरनेशनल मास्टर विक्रमादित्य कुलकर्णी, जो कि टूर्नामेंट के टॉप सीड है, उनको हराया। और सबसे बड़ा उलटफेर सिद्धांत ने किया। सिद्धांत, कैसा लग रहा है? मतलब दो हार के बाद आपने मारा भी तो सीधा टॉप सीड को मारा। हाँ हाँ, कल थोड़ा प्रेशर में था, बट ठीक है। आई जस्ट नॉर्मल खेला मैंने, अटैकिंग चेस खेला बस, और कुछ नहीं। तो चलो गेम देखते हैं सीधे, और बताओ कि गेम में क्या कुछ हुआ, फिर और भी बातें जो है वो करेंगे। तो सीधे चलते हैं आपके गेम पे। तो चलो आप चलते जा रहे हो यहाँ से, और मुझे बताते जाना कैसा क्या। e4 d6 और d4 nf6 Nc3 e5। सो यहाँ पे लाइक डी फाइव काफ़ी ड्रॉइश लाइन है क्वीन एक्सचेंज के बाद। Nf3 नॉर्मल फिलीडोर में कन्वर्ट हो जाती है NbD7। और ये लाइन मैंने थोड़ी बहुत देखी थी कल, क्योंकि वो कभी कभी ये लाइन खेलते हैं। सो ज़्यादा डीप नहीं करा था, बट एक 8-10 मूव पता था मुझे। सो बिशप c4, बिशप e7, कैसल c6, और यहाँ पे यूजुअली b5 पहले स्टॉप कर लेना चाहिए। सो a4 खेल लिया, कैसल, और h3 में भी कुछ केसेस में nb6 bg4 ऐसे आता है तो पहले h3 खेल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग h8, और अभी ये किंग h8 मूव मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी। मे बी नाइट b6 ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, बट ठीक है, कुछ श्योर नहीं है। लाइक शायद कभी ना कभी f5 के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे थे। सो मैंने सोचा चलो एक मूव नॉर्मल खेल लेते, रुकियो, लेट्स देखते हैं ब्लैक क्या करता है आगे। क्वीन e8 आए, क्वीन e8 के बाद भी कुछ श्योर नहीं लग रहा था। यहाँ पे मैंने वेटिंग मूव जैसे खेल दी, बिशप a2, a5। अब ठीक है, अब 9b6 ऐसे कुछ मैं पहले स्टॉप कर रहा हूँ बिशप e3 खेल के। सो उनको बिशप d8 पहले जाना पड़ा। मे बी बिशप b6 आना चाहते कुछ मूव्स के बाद। नॉर्मल क्वीन d2, नाइट h5, और नाइट h5 के बाद मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कोई अच्छे प्लान्स नहीं मिल रहे थे, बट फिर मैंने सोचा चलो NH2 खेल लेते। मे बी अभी g4 f4 ऐसे भी आगे कुछ सोच सकता हूँ मैं। और फिलहाल तो ब्लैक का f5 भी स्टॉप किया, क्योंकि ये f5 रुक f5 के बाद g4 है। बिशप b6, ओके, नाउ नॉर्मल रुक d1, और अभी यहाँ पे वो क्वीन e7 है। क्वीन e7, यहाँ पे मैं सोच रहा था क्या कर सकते, क्योंकि क्वीन h4 ऐसे कुछ आइडियाज थे इन फ्यूचर शायद से, एंड नॉर्मल खेल रहे, तो यहाँ पे मैंने नाइट e2 चला। अब फिर से मैं g4 खेलने का सोच रहा था, nf4 स्टॉप किया, और nf6 के बाद नाइट g3 है मेरे पास। सो अब e4 मारा, अब बिशप टेक्स। अब यहाँ पे अगर गेम में तो नाइट c5 हुआ, अगर क्वीन e4 आते हैं तो ठीक है, मतलब वैसे ही मुझे पॉन तो वापस मिल ही रही थी क्वीन d6 के बाद, और फिर नाइट g3 के बाद कुछ डिस्कवर्ड अटैक्स भी है। इमीडिएट कुछ हो नहीं रहा, बट वाइट स्लाइड बेटर है। सो नाइट c5, अब मैं नाइट c3 आया, और अभी e5 जैसे आइडियाज ऑलरेडी आने लग गए। तो बिशप e6 है, और यहाँ पे मैंने देखा था बिशप e6 को मैंने 95 खेला। अब मुझे लगता है कि ये सबसे एक ऐसी चाल थी जिसके बाद मोमेंटम पूरा चेंज हुआ। नाइट d5, ओके, उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे ख्याल से d5 करने पड़े, क्योंकि b6 बिशप के बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो cd5, ed5, क्वीन c7। अब मैं सोच रहा था, मतलब यहाँ पे क्वीन g5 मैंने पहले से ही देख के रखा था, बट मैंने बोला वो पोजीशन आई तो सोचते, तो यहाँ पे d6 तो नॉर्मल है ही, fe6, मैं भी बिशप e6 भी मार सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ब्लैक को काउंटर प्ले मिलेगा, जैसे nf4 जैसे मूव्स है, और f5 भी ओपन हो रही है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। f2 भी प्रेशर में आ सकता है, प्रेशर में आ सकता है। तो फिर मैं ये वेरिएशन में नहीं गया, मैंने यहाँ पे क्वीन g5 चला। अब मैंने नाइट ले लिया, आपने बिशप की जगह नाइट लेने के लिए गए। तो उन्होंने f6 चला, क्वीन h5, बिशप f7, बिशप f7, क्वीन h4। अब कैसे व्हाइट के पास प्ले है, लाइक नाइट g4 आएगा गेम में, f6 पे प्रेशर है। अब आई थिंक यहाँ पे ये मूव खराब थी, मैं बिशप g6 एक्सपेक्ट कर रहा था, और गेम चलता है यहाँ से, मतलब bg6 पे मैं वैसे ही सोच रहा था क्या कर सकते हैं, ng4 ऐसे कुछ देख रहा था, अगर bc2 चला तो रुक c1, और था मतलब गेम चलता।
बट नाइट ए फोर के बाद लॉस्ट आ गया, बिशप एफ सिक्स आ गया, ये उनको मिस आउट ही हो गया। हाँ, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया शायद, क्योंकि मारने पे तो हाँ, सीधा सीधा क्वीन एफ सिक्स और दोनों के दोनों रुक खुले हुए हैं और इवन रुक ई फोर से पीस भी मिल रहा है वापस, मार तो लगी हुई है एन जी फोर यार। हाँ वही, अच्छा एन जी फोर से भी खत्म है और रुक ई फोर भी, मतलब सब कुछ आ रहा था एक्चुअली। ओके, सो बिशप एफ सिक्स पे क्वीन सी टू चला। अब यहाँ पे आई थिंक उन्होंने एक लास्ट ट्राई किया था, अगर मैं बिशप बी1 खेलता तो बी एफ टू या क्वीन एफ टू आता और फिर ये पोजीशन फिर ब्लैक को अच्छी आ जाएगी क्योंकि टेक्स सब करने के बाद वो एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हाँ पीस, हाँ आई थिंक वो बिशप ही हटा लेंगे, फिर रुक एफ सिक्स मार देंगे। हाँ इवन स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होगा। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने एन जी फोर खेला, पहले डिफेंस भी कर लिया और एक पीस भी इंप्रूव कर लिया, और अभी बिशप जी7 थ्रेट भी है, बिशप जी7 थ्रेट आ गया अभी सीधा चेकमेट के लिए। सो बिशप जी8 गए, नाइट जी4 बहुत ही अच्छा आया मतलब। हां और बिशप जी8 के बाद अभी लॉस्ट है बिशप बी7 और इसके बाद तो फिर उन्होंने क्वीन डी1 वगैरह किया और इसके बाद तो लॉस ही था मतलब, इधर से बस गेम कोशिश चल रही थी थोड़ी सी। तो चलो सिद्धांत बहुत बहुत बधाई, एक तो सबसे अच्छी बात कि तुमने कमबैक किया, क्योंकि कमबैक करना कभी भी आसान नहीं होता। हाँ। तो बहुत बधाई कि आपने कमबैक कर लिया पोजीशन में और आईएम को हरा, टॉप सीट को हरा के कमबैक किया, तो कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा आया होगा। yes. तो बहुत बहुत गुड लक तुमको एंड आई विश कि आने वाला जो टूर्नामेंट है अभी तुम्हारे लिए और अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर यू। सो दोस्तों ये थे सिद्धांत गायकवाड़ और हम लगातार जो है आपके लिए वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे, अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें चेस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।